हेलो, आई एम गौरव और आज हम बलून से खूब सारे खिलौने बनाएंगे, उनको फुलाएंगे, पिचकाएंगे, फोड़ेंगे और धूम मचाएंगे। आपने बलून्स को ऐसे तो फुलाया ही होगा, लेकिन आज हम बलून्स को बिना फूंक मारे फुला कर देखते हैं। उसके लिए पहले इस फ्लास्क में थोड़ा सा पानी भर लेते हैं और इसको इस हॉट प्लेट पे रख देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए और उबलने लगे। जब पानी उबलने लगे तब फ्लास्क के मुंह पर एक गुब्बारा फिक्स कर देंगे और इस समय हाथ में ग्लव्स जरूर पहन ले, नहीं तो स्टीम से आपका हाथ जल सकता है। और ये गुब्बारा जो हमने फ्लास्क के अंदर डाला था वो धीरे धीरे फ्लास्क से बाहर निकल जाएगा और फूलने लगेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पानी को गर्म करने से वो भाप यानी स्टीम में बदल गया और स्टीम पानी से कहीं ज्यादा जगह घेरती है। इनफैक्ट 18 मिलीलीटर पानी, लिक्विड पानी को जब भाप बनाएंगे तो वो 22 लीटर जगह घेर लेता है, यानी ये एक चम्मच पानी स्टीम बनकर 20 लीटर की एक पूरी बाल्टी भर देगा। जब ये पानी स्टीम में कन्वर्ट हुआ तो इसने जगह बनाने के लिए गुब्बारे को बाहर धकेल दिया और गुब्बारे में स्टीम भरने से वो फूल गया। और भी इंटरेस्टिंग चीज तब होती है जब हम इस फ्लास्क को इस हॉट प्लेट से नीचे उतारते हैं। गुब्बारा धीरे धीरे पिचकने लगेगा और फिर अपने आप फ्लास्क के अंदर घुस जाएगा, और सिर्फ अंदर नहीं घुसेगा, अंदर की तरफ फूलना शुरू कर देगा और फ्लास्क के अंदर की पूरी जगह भर देगा। और अब ये फूला ही रहेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि इसका जो गुब्बारे का मुंह है वो खुला हुआ है, तो ये स्ट्रो में उसके अंदर डाल सकता हूं। ज्यादातर तो हम यही देखते हैं कि गुब्बारे का मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर की हवा निकल जाती है और वो पिचक जाता है, लेकिन ये गुब्बारा स्पेशल है। इसका मुंह खुला हुआ है लेकिन ये फिर भी फूला हुआ है। और फ्लास्क के नीचे जो ये पानी है ये भी एकदम बढ़िया इसके अंदर कैद हो गया है। इसको उल्टा करें तो भी ये पानी नहीं निकलता है और ये जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा जब तक आप इसको दोबारा से गर्म ना करें। और दोबारा से गर्म करने पर क्या होगा कि ये दोबारा से बाहर निकल जाएगा और बाहर की तरफ फूल जाएगा, और फिर से अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो ये फिर से अंदर की तरफ फूल जाएगा, और कितने भी बार ये कर सकते। अब ये देखते हैं कि ये गुब्बारा अंदर की तरफ क्यों फूला। जब हमने इसे हॉट प्लेट से नीचे उतारा तो फ्लास्क और गुब्बारे के अंदर की स्टीम धीरे धीरे ठंडी होकर कंडेंस हो गई। इतनी सारी स्टीम लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गई जो काफी कम जगह में समा गया, और क्योंकि बाहर से तो हवा अंदर आ नहीं सकती तो इस खाली जगह को भरने के लिए गुब्बारा अंदर की तरफ आ जाता है, या फिर ऐसा कहें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको अंदर की तरफ धकेल देता है। एक बार ऐसा होने के बाद जब तक अंदर हवा नहीं जाएगी प्रेशर कम ही रहेगा और गुब्बारा ऐसे ही बना रहेगा। और इसमें हम पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन ये नीचे वाला जो पानी है ये इसके अंदर ही रहेगा। और पानी डालने के बाद अगर ऊपर से इस गुब्बारे में गांठ लगा दें तो ये पानी वाला गुब्बारा इस फ्लास्क के अंदर ही रह जाएगा। तो फ्लास्क में तो हमने पानी से भरा गुब्बारा डाल दिया। मान लीजिए अब प्लास्टिक की बोतल में इतना बड़ा पानी से भरा हुआ गुब्बारा डालना है तो क्या करेंगे? क्योंकि प्लास्टिक की बोतल पर ऐसे गुब्बारा फिक्स करके उसको हम हॉट प्लेट पे रखें तो ये तो पिघल जाएगी, और पानी से भरे इस बलून को भी इस बोतल में ऐसे स्क्विश करके डालना भी इम्पॉसिबल ही है। तो कितनी भी कोशिश कर लें आप इस बलून को इस बोतल के अंदर नहीं डाल पाएंगे। इतना बड़ा तो क्या, ये छोटे से बलून को भी आप स्क्विश करके बोतल के अंदर नहीं डाल पाएंगे। किसी तेज चलते हुए नल के नीचे भी अगर हम इस बलून को रख देंगे तो भी हम इसमें पानी नहीं भर पाएंगे। दूसरा, हम ये कर सकते हैं कि गुब्बारे में फूंक मारकर इसको बोतल के अंदर फुला लें और फिर उसमें पानी डालकर हमें इस तरह का बोतल मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो कितना भी जोर से मैं इसमें फूंक मार लूं ये गुब्बारा इससे ज्यादा फूल नहीं रहा है। अभी राइट हैंड से और ट्राई कर लेते हैं। और अब मैजिकली ये गुब्बारा फूलने लगा है, लेकिन फूलने के बाद भी ये वहां पे होल्ड नहीं कर पा रहे हैं हम इसको। जैसे ही मैं अपना मुंह हटा रहा हूं ये फिर से पिचक जाता है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा जादू चाहिए, तो जादू कर देते हैं। और अब ये गुब्बारा जो है ये फूला हुआ ही रहेगा और पिचकेगा नहीं। असल में कोई जादू वादू नहीं है। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे तो इस बोतल में हमने एक छेद किया हुआ है, और इसको आप ये स्ट्रो डाल के भी देख सकते हैं। और ये छेद जब तक मैं बंद रखता हूँ अपनी उंगली दबा लगा के, जब तक इस छेद को मैं बंद रखता हूँ तो कितनी भी जोर से मैं फूंक मार लूं ये गुब्बारा फूलेगा नहीं। ये देखिए, और जैसे ही इस छेद से मैंने उंगली हटा ली गुब्बारा तुरंत फूलने लगता है। और फूले हुए गुब्बारे के बाद मैंने इसमें छेद में उंगली अगर लगा ली तो ये फूला हुआ ही रह जाता है। ये देखिए,
छेद बंद करके हम गुब्बारे को इसलिए नहीं फुला पा रहे क्योंकि बोतल के अंदर भी हवा है और वो हवा भी जगह घेर रही है। जब हम गुब्बारे को फुला रहे हैं तो बोतल के अंदर की हवा गुब्बारे को फूलने से रोकती है। जैसे ही गुब्बारा थोड़ा सा फूलता है, बोतल की हवा का वॉल्यूम कम हो जाता है, इससे प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम इसे थोड़ा सा ही फुला पाते हैं क्योंकि हम अपने लंग से इतना ही प्रेशर लगा पाते हैं। और जब ये छेद खुला रहता है तब जैसे जैसे गुब्बारा फूलता जाता है बोतल की हवा छेद से बाहर निकलती जाती है। अगर मैं छेद के सामने ये ग्लास रख दूं तो आप देख भी सकते हैं कि उस हवा से ये ग्लास खिसक जाता है। और इस छेद में अगर आप ये सीटी लगा दें तो गुब्बारे को पिचकाते हुए भी और उसको फुलाते हुए भी दोनों बार ये बहुत बढ़िया आवाज भी आपको सुनाई देगी। पर जैसे ही हम फूंक मारना बंद करते हैं बाहर की हवा वापस छेद से बोतल में घुस जाती है और गुब्बारा पिचक जाता है। इसलिए गुब्बारे को फूला हुआ रखने के लिए हमें छेद को बंद करना पड़ेगा ताकि बाहर की हवा इस बोतल के अंदर ना जा पाए और बोतल के अंदर प्रेशर कम ही रहे। अब बलून ऊपर से खुला हुआ है, अब इसमें आराम से हम पानी डाल सकते हैं और बलून को पानी से भर सकते हैं। अब बस ख्याल ये रखना है कि ये जो उंगली है ये हमें बराबर इस छेद पर बनाए रखनी है क्योंकि जैसे ही ये उंगली हटी यहां से हवा अंदर जाएगी और ये बलून के अंदर का जो पानी है ये बाहर निकल जाएगा और सब पानी पानी हो जाएगा। तो इस छेद पर उंगली रखते हुए ही हमें इस ऊपर वाले छेद को अपनी उंगली से बंद करना पड़ेगा और ये बंद करके हमें इस गुब्बारे को ऐसा फिर अब हम यहां से उंगली हटा सकते हैं और इस गुब्बारे को ऊपर से गांठ मारकर बंद कर सकते हैं। तो ये हमारा पानी से भरा हुआ गुब्बारा बोतल में कैद हो गया है और इसको आराम से हम रख सकते हैं और दूसरे लोगों को चैलेंज दे सकते हैं कि इस तरह से आप गुब्बारा इस बोतल में फंसा के दिखाइए। Oh,